एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं और इस बार हम मीराबाई का जीवन परिचय करने जा रहे हैं। इसके पहले हम उनके पदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई का जो जन्म है वो सन 1503 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। इस तरह वह कुल 43 वर्ष का जीवन ही उन्होंने जिया। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में हुआ था और जब वो केवल 13 साल की ही थी तभी उनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ हुआ हो गया था। उनका पूरा जीवन ही दुखों के बीच में बीता। उसका कारण था कि जब वो बहुत छोटी आयु की थी, बचपन ही चल रहा था, तो उनकी माता का निधन हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद ही पति नहीं रहे और पिता का भी एक निधन हो गया और एक युद्ध में राणा सांगा जो उनके ससुर थे वो भी मारे गए। इस तरह लगातार उन्होंने मृत्यु देखी और उससे उनके मन को बहुत पीड़ा पहुंची। तब वो सांसारिक जीवन से निराश होकर घर परिवार त्याग कर वृंदावन में जाकर रहने लगी और कृष्ण की भक्ति में उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। वे संत रैदास की शिष्या बन गई थी और उनके पदों में हम दीनता और माधुर्य भाव देखते हैं। इसी के माध्यम से उन्होंने अपने भक्ति वाले पदों की रचना की है। उनका जो कुछ भी उन्होंने पदों को रचा वो मध्यकाल के जो भक्ति आंदोलन था उस पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी रचनाएं जो हैं वो समझी जाती हैं कि अनेक हैं, जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार गोपी वल्लभ, श्री कृष्ण, निर्मोही परदेसी जोगी आदि। पर फुटकर रूप से मीराबाई के पदों को गाया जाता है, याद रखा जाता है, उनके संग्रह भी हैं। भाषा शैली के रूप में हम जब देखते हैं तो मीराबाई की भाषा जो है वो बहुत सारी भाषाओं का मिला जुला रूप है। उसमें राजस्थानी है, ब्रज है, गुजराती है, खड़ी बोली है, इन सब के शब्द आते हैं। उनके साहित्य का कला पक्ष अगर हम देखें तो उसमें उत्कृष्टता का, कलात्मक उत्कृष्टता का अभाव है, क्योंकि वो कवि के रूप में रचनाएं नहीं कर रही थी कि वे कला सौंदर्य को देखती, वो तो भक्ति भावना से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम के तौर पर कविता का, काव्य का, पदों का प्रयोग कर रही थी, इसलिए उनमें सहजता है, सरलता है और आम बोलचाल का तौर तरीका है। और यही भक्ति भावना में जो विनम्रता है, विनीतता है, वही उनकी कविता की का कलात्मक सौंदर्य बनकर के सामने आता है। भाव पक्ष देखें तो भक्ति भावना के ही उन्होंने पदों को रचा है। प्रत्येक पद में उनकी भक्ति भाव को ही उन्होंने प्रस्तुत किया है और कृष्ण के प्रति जो उनके मन में प्रेम है उसकी गहराइयों को हम उनके पदों में देख सकते हैं। साहित्यमय स्थान भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का उच्चतम स्थान है और इसी कारण से साहित्य में भी उनको सम्मान प्राप्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। नमस्कार।